हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। लास्ट सेशन में हमने किया था नेचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड आज हम करेंगे स्कोप ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। स्कोप का मीनिंग क्या है? वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स, वो सारे सब्जेक्ट्स जिसकी स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप का मीनिंग है कि आज के मॉडर्न थिंकर्स क्या मान रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसकी स्टडी की जा सकती है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। मीन्स आज के टाइम में हम कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं? पॉलिटिकल सिस्टम। पहले हम जैसे वर्ड यूज करते थे ट्रेडिशनल थ्योरी में, स्टेट, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, प्रेशर ग्रुप, एसोसिएशन, आज के टाइम में हम इसकी जगह सिस्टम वर्ड को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो आज के समय में मॉडर्न थिंकर मान रहे हैं कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी, जो सिस्टम को किसी ना किसी वे से इन्फ्लुएंस कर रही है, उन सबको हम सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो कोई भी हम एसोसिएशन बना लें, वो एसोसिएशन भी पॉलिटिक्स का पार्ट है, वो भी पॉलिटिकल सिस्टम का ही पार्ट है। इन सब की स्टडी क्या है? पॉलिटिकल साइंस का स्कोप मानी जाती है। सेकेंड पॉइंट है स्टडी ऑफ पावर। पावर का मीनिंग क्या होता है? एक कैपेसिटी टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल को, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, किसी पर्सन को, उसकी बिहेवियर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना ही पावर कहलाता है। मीन्स आज के टाइम में हम सब चाहते हैं कि हमारे पास पावर मिले। तो पावर की स्टडी क्या है? पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। जैसे हम कहते हैं आज के टाइम में क्या हो रहा है? स्ट्रगल चल रही है। स्ट्रगल किस लिए चल रही है? ताकि हम क्या कर सके, पावर में आ सके। एमपी है, एमएलए, उनकी इलेक्शन है, उनकी इलेक्शन किसकी स्ट्रगल है? पावर में आने की स्ट्रगल है। कोई बार एसोसिएशन है, कोई ग्रुप है, इवन की फैमिली है, फैमिली में भी क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं हमारे पास कंट्रोल रहे, उसको भी हम कहेंगे स्ट्रगल फॉर द पावर। हमारे सोसाइटी में एक एसोसिएशन बनी हुई है, हम चाहते हैं हम उसके भी मेंबर बने, उसके चेयरमैन बने, ये भी क्या है? स्ट्रगल का पार्ट है। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लेवल पर स्टूडेंट यूनियंस बनी हुई हैं, स्टूडेंट यूनियन में भी एक लीडर होता है, उसमें भी वो चाहता है कि मैं पावर में आऊँ। इट मीन्स क्या है, जहाँ कहीं भी स्ट्रगल हो रही है वो ही पावर है। तो पावर की स्टडी क्या है? पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या है? इन्फ्लुएंस का मीनिंग है हम कोई भी ऐसा डिसीजन लें, कोई भी ऐसी बात कहें जिससे लोग हमें उस चीज़ को फॉलो करें, विदाउट यूजिंग एनी पावर। हम कोई पावर को यूज नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम अपने डिसीजन दे रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, तो लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस करना भी क्या है? पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। जैसे हम कहते हैं गांधी जी के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं नॉन वायलेंट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। तो उनके इन्फ्लुएंस करने की स्टडी, उन्होंने लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया अपने बातों से, अपने कामों से, इसी को कहते हैं स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आज के टाइम में अगर कोई पर्सन बिना पावर को यूज किए अपना डिसीजन बनवा लेता है, तो उसको कहते हैं स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। इसकी स्टडी मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट मानी गई है। फोर्थ वन इज
स्टडी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? एक किसी को लीड करना। हम बहुत सारे ग्रुप्स बना रहे हैं, एसोसिएशंस बना रहे हैं, कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन इंटरेस्ट है, उसको फुलफिल करना है। कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमने वो ग्रुप बनाया, लेकिन उस ग्रुप में कोई ना कोई लीडर होगा। लीडर क्या होगा? जिसमें जो कैपेसिटी होगी कि वो लीड कर सके, जो उसके ग्रुप के 100,000,000 जितने भी मेंबर्स हैं उनको उनके ऊपर लीड कर सके। उनकी स्टडी ही क्या है? लीडरशिप का पार्ट है। मीन्स लीडर की क्वालिटीज क्या होती है, वो कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, आम जनता को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपने डिसीजन कैसे मनवा रहा है, तो इन सब की स्टडी क्या है? पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। जैसे हम मान लो एक ट्रिप पर जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप है या फिर आपके फ्रेंड्स का ट्रिप है, अगर हम वहीं पर जाएं, हम 50 मेंबर्स हैं, तो इसमें इनमें भी हमें एक लीडर की जरूरत है जो हर टाइम डिसीजन लेगा कि हमें कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना, कहाँ स्टॉपेज होगा, कहाँ पर रहना है, तो जी क्या क्या जगह पर विजिट करना है, जिस सब की स्टडी क्या है? लीडर की स्टडी है। तो हमें लीडर की जरूरत पड़ती है। जो लीडर कौन बनेगा? हम सब इक्वल है, लेकिन कुछ पर्सन ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं कि हाँ मैं लीड कर लूंगा, मैं अपने डिसीजन दे रहा हूँ, मैं चीज दे रहा हूँ, और सभी लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं लीडर। लेकिन जी लीडर की क्वालिटी सब में नहीं होती है। कुछ लोग क्या कहते हैं, बस वो लेजी होते हैं, जो उनको कह दिया वो मान लिया। तो लीडर की क्वालिटी, लीडर बनना क्या है? अपने आप में ही एक बड़ी क्वालिटी है। तो लीडर कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इन सब की स्टडी मॉडर्न टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई। तो लीडरशिप की स्टडी पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट मींस आपस में हमारा मनमुटाव होना, एंड कोऑपरेशन आपस में समझौता हो जाना। तो पॉलिटिकल साइंस में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन सबसे मेन है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के सेशन में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, स्टैंड खड़े हो जाते हैं, वॉकआउट करते हैं, जी कॉन्फ्लिक्ट है, फिर भी लॉ पास हो जाता है। लॉ कैसे पास हो गया? क्योंकि उनमें आपस में कोऑपरेशन हो गया। मीन्स जहां कहीं भी लोग लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वहीं पर इसका एक वे आउट होता है। वे आउट क्या है? कोऑपरेशन है। कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है? जब कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड डिफरेंट डिफरेंट पर्सन कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लेकिन जब उसका मिडवे निकल गया वो कोऑपरेशन हो गया। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हर एक प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? कोऑपरेशन है। तो प्रॉब्लम है को सॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट से कोऑपरेशन तक जाना पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग का मीनिंग है किसी भी रिगार्डिंग डिसीजन लेना। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। और जो हमारी लेजिस्लेचर है वो क्या कर रही है? पार्लियामेंट में बैठकर पॉलिसीज बना रही है, लॉ बना रही है। तो एक लॉ कैसे बनता है, लॉ के स्टेप्स क्या हैं, क्या लोग उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, तो चीज सब कुछ क्या है? पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है कि पर्संस कैसे डिसीजन ले रहे हैं, अथॉरिटीज की डिसीजन से लोग कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, कि लोग उनके डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डिसीजन कैसे बनाया गया, कैसे डिसीजन लिया गया, एंड उस डिसीजन से कैसे लॉ बना, ये सब क्या है? पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। सेवंथ वन इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मीन जैसे
डेमोक्रेसी है, ये क्या है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इन सबको हम क्या कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस। जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशन की वर्किंग कैसे होती है, इन इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग ऑर्गन्स, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, इन सब की स्टडी करना सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है, क्या ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको डेमोक्रेसी कैसे वर्क करेगी इफ ब्यूरोक्रेसी ना हो। तो ब्यूरोक्रेसी के मेरिट अपने हैं, डीमेरिट्स लग गया। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को हम एनालाइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंडिया में डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है, लेकिन क्या है उन दोनों की वर्किंग सेम है, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं कि हर एक कंट्री की डेमोक्रेसी कैसे वर्क कर रही है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडी, उनकी वर्किंग की स्टडी, उनकी कंपैरेटिव स्टडी क्या है, मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट मानी गई है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एसोसिएशंस एंड ग्रुप्स। जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट गवर्नमेंट, हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट फॉर्म मानी गई है। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होना चाहिए, ड्यूअल पार्टी सिस्टम होना चाहिए, और इंडिया में तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। इंडिया में तो 2500 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी वर्किंग क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, उसके फीचर्स कैसे होने चाहिए, उनका सिंबल क्या है, इन सब की स्टडी। फिर हम लोग एसोसिएशंस बनाते हैं, एसोसिएशन जैसे स्टूडेंट लेवल पर स्टूडेंट यूनियन बना ली, एसोसिएशंस बना ली, क्योंकि हमारे जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड की एसोसिएशंस बना ली। अब किसान यूनियन चल रही है, किसानों ने अपनी एसोसिएशंस बना रखी हैं, उन एसोसिएशन की स्टडी कि एक एसोसिएशन कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, और जब उसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, क्या वो फिर भी एग्जिस्टेंस में रहती है या फिर वो लीव कर जाती है। तो हम छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बना रहे हैं, प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं, ताकि हम अपनी डिसीजन, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड को फुलफिल कर सके। तो वो ग्रुप कैसे एग्जिस्टेंस में है, कैसे बनाएगी, तो इन सब की स्टडी आज के टाइम में पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट मानी गई है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ वेरियस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। वेरियस सोशल इकोनॉमिक फैक्टर का मीनिंग है जैसे सोसाइटी के फैक्टर हैं, रेसिज्म, कास्टिज्म, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, जिस सब किसी ना किसी वे से पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर हमारे देश में पॉवर्टी है, मीन्स हमारे देश में बहुत से लोग गरीब है, जैसे इस टाइम कोरोना इफेक्ट चल रहा है, COVID-19 की वजह से काफी लोग क्या हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, जिस वजह से जब किसी की जॉब चली गई तो वो गरीबी रेखा में आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी में आना, ये क्या है, एक तरह इकोनॉमिक फैक्टर। कास्टिज्म चल रहा है, रिलीजन के बेस्ड पर हम बातें कर रहे हैं, ये क्या हो गए हमारे सोशल फैक्टर। क्या जब किसी ना किसी वे से पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं करते, ये करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल वर्क, उनकी वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये किसी ना किसी वे से क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग को, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इन सब की स्टडी क्या है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। लास्ट वन इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग क्या है, मीन्स पॉलिटिकल वैल्यूज, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, सेंटीमेंट्स। पॉलिटिकल बिलीफ्स क्या है,
हम कहते हैं हमारे देश में सभी पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है, वो क्या कर रहे हैं जनता के वेलफेयर के लिए कम काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपने वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करते हैं, वो अपने नियर और डियर्स के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए कम काम कर रहे हैं। मीन ये क्या बन चुका है, हमारा बिलीफ बन चुका है कि पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं। लेकिन हमारा ये भी बिलीफ है कि अगर वो पर्सन है वो बहुत अच्छा MP है, तो हम कहते हैं उसके दादाजी पापा सभी कहते हैं बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने जनता के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया। तो ये क्या है, हमारा पॉलिटिकल बिलीव्स है। मीन्स इसी को हम कल्चर्स कहते हैं, पॉलिटिकल कल्चर कैसा चल रहा है, पॉलिटिकल बिलीव्स क्या चल रहा है। तो पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी आज के टाइम में कितने नेता क्रिमिनल्स हैं, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। हम कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आज के टाइम में 45% तक जितने भी लीडर्स हैं उनमें कोई ना कोई क्रिमिनल रहा है। जो क्रिमिनल केसेस हैं, ये क्या पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है कि हमारे पार्लियामेंट में क्रिमिनल लीडर्स भी चुने जाते हैं। एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक जाना। आपकी बिलीव्स, आपकी वैल्यूज किस चीज पर बेस्ड है, आपकी फैमिलीज के ऊपर बेस्ड है। आपकी फैमिली ने जो कुछ आपको समझाया, एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को जो दिया, वो ही क्या बन गई, आपके बिलीव्स बन गए। इसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे हमारे रिलीजन है, रिलीजन में हमारे धर्म में जो कुछ रिचुअल्स है वो चलते आ रहे हैं, वो सोशलाइज हो गई हैं, वो कैसी जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास पास हुई हैं। उसी तरह पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, वो एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। जब जनरेशन टू जनरेशन पॉलिटिकल वैल्यूज बिलीव्स क्या हो रहे हैं पास होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो हम पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एक ह्यूमन का बिहेवियर, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वो कैसे डिसीजन लेता है, इन सब की स्टडी क्या है, पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। वे दिस हमारा पॉलिटिकल थ्योरीज का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको जो सब समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।